Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYbcom semester 6 examination, and we are going to discuss about the various MCQs which can be expected. So ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है. तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके सेमेस्टर 6 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे. और ये MCQs हम रेगुलर बेस पे डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशंस ना करना पड़े एंड पेपर से रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs आपके क्लियर हो जाए. सो इफ़ यू सी 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. एग्जामिनर कभी कभी ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग पेपर में डालता है, या फिर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उसके साथ मैच द फॉलोइंग या ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा. तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 10 MCQs लाए हैं जो हम डिस्कस करने वाले, ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी ना बने और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी इम्पॉर्टेंट MCQs, जिसमें मैंने 2-3 ट्रू और फॉल्स भी डाले हैं, एज वेल एज वी विल बी ऑल्सो सीइंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द वेरियस चैप्टर्स एज कंसर्न. तो लेट अस स्टार्ट विद दी वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर परचेस कंसिडरेशन एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट असेट्स नेट एक्वायर्ड असेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी रिकोगनाइज एज. तो दिस इज द MCQ फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन. तो अमालगमेशन चैप्टर में हमारा जो थर्ड एंट्री होता है, दैट इज असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर. सो अंडर परचेस कंसिडरेशन, परचेस मेथड जो है हमारा, परचेस मेथड जो हम कैलकुलेट करते हैं, देर आर टू मेथड्स. एक होता है परचेस मेथड, एक होता है मर्जर मेथड. तो आपके सिलेबस में परचेस मेथड है, मर्जर मेथड नहीं है. मर्जर टाइप है जिसमें दो कंपनी मिलके एक तीसरा कंपनी फॉर्म होता है, बट अगर हम मेथड की बात करें तो परचेस मेथड है. परचेस कंसिडरेशन ढूंढने के लिए देर आर डिफरेंट मेथड, सच एज इंट्रेंसिक वैल्यू, सच एज दी नेट असेट्स, नेट पेमेंट. तो परचेस मेथड में जब भी आपका एक्सेस रहेगा, एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट आएगा परचेस कंसिडरेशन का ओवर द नेट असेट्स एक्वायर्ड ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचता है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, या वो बैलेंसिंग फिगर को क्या बोला जाएगा. सो द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दैट. इसके दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. अभी यहाँ पे लिया है एनी एक्सेस ओवर, तो अगर आपका कुछ एक्सेस है तो दैट विल बी कंसिडर एज गुडविल, और अगर आपका एक्सेस नहीं है, कम अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड आता है, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे. तो फर्स्ट MCQ का आंसर है गुडविल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़ के रखना. सो व्हेनेवर देयर इज एनी एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर नेट असेट्स एक्वायर्ड या नेट एक्वायर्ड असेट्स, देन इट इज कंसिडर्ड एज गुडविल. और ये अगर एक्सेस नहीं रहेगा, डेफिसिट रहेगा, तो वहां पे आपका कैपिटल रिजर्व आंसर बन जाएगा. द सेकेंड क्वेश्चन, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर फॉरेन करेंसीज. बिकॉज ये टाइप का क्वेश्चन काफी सारे पेपर में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉरेन करेंसी का है. ये क्वेश्चन ऐसे है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉरेन करेंसी का है, दैट इज AS 11, दैट इज AS 11, ये आपको ध्यान रखना है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर फॉरेन करेंसी इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11. अमालगमेशन रहेगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कवर हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर 2. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर फॉरेन करेंसी इज AS 11. ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में टैक्सेस भी आएंगे, ड्यूज टू गवर्नमेंट भी आएगा, वेजेस एंड सैलरीज भी आएगा. तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव. तो सारे के सारे पॉइंट्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कवर होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, क्रेडिटर्स को दो पार्ट में, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड या प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड, ऐसे बेस पे डिवाइड होता है. एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर भी कभी कभी कमीशन पूछा जाता है. तो आपको ये पॉइंट लिक्विडेशन के रिलेटेड ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन. तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वी नीड टू बाय हार्ट, विच वी नीड टू रिमेंबर. तो लिक्विडेटर्स जो स्टेटमेंट है वो कौन से सेक्शन में बनता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013
13. So section is 143, 153, 156 and 173. तो आपको याद रखना है, देखो अगर हमने इस section को याद नहीं रखा तो हम paper में इससे related कुछ भी answer लिख के आएंगे and जहाँ पे हमारा एक mark चले जाएगा. तो इसलिए आपको याद रखना है, लिक्विडेटर्स का जो स्टेटमेंट बनता है वो एज पर सेक्शन 156 होगा. सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 156 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस, दिस कैन बी ऑल्सो आस्क इन दी ट्रू और फॉल्स एज कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ शेयर्स कमीशन कैनॉट एक्सीड. तो शेयर्स के केस में ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ. अगर हम शेयर्स की बात करें तो देर इज सर्टन कमीशन एंड इफ डिवेंचर्स की बात करें तो देर इज सर्टन कमीशन. सो शेयर्स के लिए द कमीशन रेट इज 5% एंड डिवेंचर्स के लिए द कमीशन रेट इज 2.5%. तो वी हैव टू रिमेंबर अकॉर्डिंगली वाइल सॉल्विंग, द रेट फॉर शेयर्स इज 5% एंड द रेट फॉर डिवेंचर इज 2.5%. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5%. That is the multiple choice, fifth. In case of shares, commission cannot exceed 5% of the issue price. And in case of debentures, if it is asked, the commission rate will be 2.5% of the issue price. Then question number six is, the applications which have stamp of underwriters is called as. This is also one kind of important question and very easy question. You can easily answer this because we have learned already the concept of mark applications and unmark applications. So, jo bhi applications pe underwriter ka stamp hoga, उसे क्या बोला जाएगा, अनमार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशंस, स्टैम्प एप्लीकेशंस या नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है मार्क एप्लीकेशंस. द एप्लीकेशंस विच हैव स्टैम्प ऑफ द अंडररराइटर्स इज कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशंस एंड द एप्लीकेशंस विच आर नॉट हैविंग एनी स्टैम्प ऑफ द अंडररराइटर इज कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रू और फॉल्स है. कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ LLP. तो दिस इज द ट्रू और फॉल्स. That can be very important. कि LLP के member में company नहीं हो सकता. Company cannot become a member of LLP. LLP का company member नहीं बन सकता. True या false? इसका answer है false because company भी LLP का member बन सकता है. Since LLP is what? LLP is a hybrid structure of partnership and company. तो partnership के कुछ advantages लिए हैं एंड कंपनी के कुछ एडवांटेजेस लिए हैं. मिलके हमने बनाया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो LLP में कंपनी का भी पॉइंट अराइज होता है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट इज वन मोर ट्रू और फॉल्स. द लिक्विडेटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम रेम्यूनरेशन ऑन कैश बैलेंस अनलेस अदरवाइज गिवन. सो द लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर हम लोग अपॉइंट करते हैं फॉर लिक्विडेटिंग द बिजनेस, तो लिक्विडेटर क्या करता है, सारे कंपनी के असेट्स को बेचता है और उस जितने भी असेट्स उसने बेचे हैं उसके ऊपर उसको कमीशन दिया जाता है. बट कैश के ऊपर कमीशन दिया नहीं जाएगा बिकॉज कैश तो वो बेचेगा नहीं. जितना कंपनी के पास कैश या बैंक का वैल्यू है उतना सेम वैल्यू वो उसके पास रखेगा एंड दैट मनी कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर पेइंग द लाइबिलिटीज या सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. इसीलिए जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि कैश पे कमीशन दो, तब तक हम कैश के ऊपर लिक्विडेटर को कोई भी कमीशन नहीं देंगे. तो दैट इज वाई इसका आंसर बन जाएगा ट्रू. तो लिक्विडेटर इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम रेम्यूनरेशन ऑन कैश बैलेंस अनलेस अदरवाइज गिवन. सो unless and until it is been clearly specified in the question that we have to provide a remuneration या commission to the liquidator on the cash balance, we will not provide. तो question बिल्कुल सही है, तो इसका answer बन जाएगा true. Next is very important. इससे दो question बन सकते हैं. Deficiency or surplus account is prepared as per list. तो ये statement of affairs जो है हमारा, that is in case of your कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेशन, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी आता है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल बेस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा. तो डेफिशिएंसी ऑफ सरप्लस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर लिस्ट HABD. तो इसका सही आंसर है लिस्ट एच. तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है उल्टे लेवल पे, जैसे लिस्ट एच क्या शो करता है, कौन सा अकाउंट शो करता है. तो आपको याद रखना है डेफिशिएंसी अकाउंट या सरप्लस अकाउंट शो करता है. देन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. गवर्नमेंट ड्यूज दैट अरोज विद इन 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज ट्रीटेड एज.
unsecured creditors, trade creditors, secured creditors and preferential creditors. So we have to remember, this is very important concept. ये आपके short note में भी पूछा जा सकता है, जो मैंने already आपको expected short notes दिए हैं, called as preferential creditors. तो इसको क्या बोला जाएगा, government dues that arose within 12 months. 12 months से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर preferential creditors नहीं बनेंगे. तो इसका सही answer है preferential creditors. तो government dues that arose within 12 months before the date of winding up is treated as preferential creditors. तो that's it, this was the video. अगर video अच्छा लगा है, ये initiative अच्छा लगा है, तो comment section में comment करना. And if you really require this kind of MCQs, काफ़ी अच्छे level के MCQs की हम practice करेंगे, because TY level में usually students 20 marks के MCQs और 20 marks का theory बिल्कुल भी नहीं पढ़ते. They usually concentrate on the objective, theoretical factors or the practical questions as concerned, which relates to scoring only 60 marks in the paper. Remaining 40 marks के लिए वो preparations नहीं करते हैं. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो remaining 20 marks के 20 marks का थ्योरी एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर में पूछा जाएगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स. तो उससे रिलेटेड ये वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे. तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसे लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड वीडियोज में लाते रहता हूँ. और इस पूरे वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम का चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, उसको ज्वाइन कर ले. सारे के सारे PDFs, ऑडियोज, लिंक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एक भी पैसा आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.